दोस्तों आपका स्वागत है गैजेट बिट हिंदी में, मेरा नाम है सुलभ। सबसे पहली चीज, अपने आप को सेफ रखिए, पहनिए वो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इस पैंडेमिक के दौरान। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले Xiaomi के 11X Pro की। थोड़ा सा लेट है पर इंडियन यूनिट है ये। सारी चीजें देखेंगे, सारी खूबियां जानेंगे इस स्मार्टफोन की, साथ ही में करेंगे इसका क्विक कैमरा टेस्ट भी इसी वीडियो के अंदर, गेमिंग टेस्ट ऑन आवर गेमिंग चैनल गैजेट ब्रिज गेमिंग, तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने सामने देख सकते हो, ये है Xiaomi का 11X Pro। 108 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है। यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 888 भी मिलता है। पीछे थोड़ी और स्पेसिफिकेशंस है, सारी बात करेंगे थोड़ी देर में वीडियो के अंदर। अभी चलते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है, तो आइए अनबॉक्स करते हैं। तो खुल गया Xiaomi का 11X Pro। सबसे पहली चीज़ देखते हैं इस लेयर में आपको क्या मिल रही है। थोड़ी थोड़ी पोको जैसी फील भी आ रही है, क्योंकि उसमें भी ऐसी ही पैकेजिंग हमारे को देखने को मिली थी। यहाँ पर है इसका सिम इजेक्टर टूल। अंदर की तरफ चले तो थोड़ा सा रीडिंग मटेरियल भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें क्या मिलता है आपको, ये क्या चीज़ है, ये है USB टाइप सी अडाप्टर। तो मतलब आपको यहाँ पर टाइप सी टू जो ऑडियो अडाप्टर है वो साथ में मिल रहा है, अच्छी चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका जो केस है वो कैसा है। ठीक है, क्लियर केस आपको साथ में मिलता है, बम से आपको बचा पाएगा। साइड पे थोड़ा सा चौकी मटेरियल है, तो ओवरऑल ठीक लग रहा है। जो अगली चीज़ है वो है Xiaomi का स्मार्टफोन इटसेल्फ 11 Pro X। अभी इसके स्टिकर्स और इसका कवर उतार के मैं लेकर आऊँगा 2 मिनट के अंदर, तब तक देखते हैं इसके बॉक्स में आपको और क्या चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट लेयर में है यहाँ पर इसकी चार्जिंग केबल, USB टाइप सी चार्जिंग केबल आपको साथ में मिलती है, और उसी के साथ है एक बहुत बड़ी पावर ब्रिक भी। बड़ी पावर ब्रिक है आपको 11X Pro के बॉक्स में मिलती है Xiaomi, साथ में आपको एक सुपर फास्ट चार्जर इन द बॉक्स दे रहा है। तो देखा जाए ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं Xiaomi के नए स्मार्टफोन के बॉक्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई अनबॉक्सिंग Xiaomi के नए स्मार्टफोन की। अब बात करते हैं इसके फॉर्म फैक्टर की, और उसके बाद बात करेंगे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की भी, और साथ ही में इसका प्राइस। तो दोस्तों अनरैप हो गया Xiaomi का 11X Pro। डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। सामने की तरफ आपको एक लार्ज टच स्क्रीन देखने को मिलेगी। चिन एरिया भी मिनिमल कर दिया है, और ऊपर जो हेड एरिया है और साइड एरिया भी है वो भी मिनिमल कर दिया गया है। तो आपको लार्जर स्क्रीन प्रेजेंस यहां पर देखने को मिलेगी। जो सेल्फी कटआउट में ऊपर कैमरा भी दिया गया है वो भी छोटा कर दिया गया है। स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको इस स्मार्टफोन पे पहले से ही लगा लगाया मिलेगा। राइट साइड की बात की जाए तो यहां पर आपको एक लार्ज साइड पे फिंगरप्रिंट रीडर मिलता है, जो कि इसका पावर बटन भी है। उसी के ऊपर इसके वॉल्यूम रॉकर कीज हैं। लेफ्ट साइड पे एकदम प्लेन है। क्रोम का जो बैंड है वो चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा। बॉटम की तरफ आए तो यहां पर आपको इसका USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, डुअल सिम ट्रे 5G, साथ में है इसका प्राइमरी माइक्रोफोन, इसका लाउडस्पीकर ग्रिल जो ऊपर की तरफ भी आपको देखने को मिलेगी। लाउडस्पीकर ग्रिल यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये है स्टीरियो साउंड आपको इस स्मार्टफोन में मिलेगी। ऊपर भी है स्पीकर्स और नीचे भी है स्पीकर। 3.5 जो MM ऑडियो पोर्ट है वो नहीं है, इसी के लिए आपको यहाँ पर अडैप्टर साथ में दिया जाता है। अब आते हैं इसकी ब्यूटीफुल बैक की तरफ। अमेजिंग बैक है, सिल्वर कलर है, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाई है। ब्लूइश सिल्वर टिंट्स आपको अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में देखने को मिलेंगे। रिफ्लेक्शंस जो हैं ऑरेंज भी आपको बीच में देखने को मिलेगा। तो जो सेलेस्टियल सिल्वर कलर है बहुत ही अमेजिंग है। Xiaomi की ब्रांडिंग है, 5G ऑफ कोर्स लिखा हुआ है, और ऊपर ही एक बम्प के अंदर ओवल बम्प है, उसके अंदर आपको 3 कैमराज भी देखने को मिलेंगे। साथ में इसका जूम माइक भी यहाँ पर दिया हुआ है, और इसकी LED फ्लैश भी यहाँ पर है। तो ये तो हो गए इसके फॉर्म फैक्टर की बातें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। तो दोस्तों बात करते हैं Mi 11X Pro के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। स्टार्ट करते हैं इसकी स्क्रीन के साथ। यहाँ पर आपको 6.67 इंचेस की FHD प्लस टच स्क्रीन मिल रही है। 120 हर्ट्ज इसका जो है रिफ्रेश रेट आपको मिलता है। इसी के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 भी लगा के दिया है। बैक प्लास्टिक की है, आगे की तरफ आपको CGG5 मिलेगा। 1300 nits तक की इसकी पीक ब्राइटनेस जाती है। AMOLED स्क्रीन है,
HDR10 Plus सपोर्ट करती है। अब इनसाइट्स की बात की जाए तो Qualcomm का 888 आपको यहाँ पर Snapdragon जो है लेटेस्ट टॉप ऑफ द लाइन यहाँ पर मिलता है। 5G कनेक्टिविटी इस स्मार्टफोन में अवेलेबल है। CPU की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड जाती है 2.84 GHz तक की। जो GPU है यहाँ पर आपको मिलता है Adreno 660। रैम और रोम की बात की जाए तो 8GB रैम के साथ दो कॉन्फ़िगरेशन में ये स्मार्टफोन अवेलेबल है। 128GB की स्टोरेज मिलती है या 256GB की स्टोरेज मिलती है। दोनों ही UFS 3.1 सपोर्टेड हैं। अब आते हैं इसके स्पेक्टैक्युलर फीचर की तरफ जो हैं इसके रियर कैमरास। तीन कैमरास आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 108MP का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा है, फिर 8MP का अल्ट्रा वाइड है, 5MP का मैक्रो सेंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है। 8K वीडियो रिकॉर्डिंग एट 30fps भी अवेलेबल है। सेल्फी शूटर पे आए तो 20MP का वाइड एंगल लेंस यहाँ पर आपको मिलता है। HDR सपोर्टेड है, बट यहाँ पर आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बल्कि ओनली एट 1080p एट 30fps। बैटरी में नजर डालें तो 4520mAh की बैटरी यहाँ पर आपको मिलती है। साथ ही में 33W का जो फास्ट चार्जर है वो आपको इन द बॉक्स मिलता है। Xiaomi कहता है अंडर 1 आवर बेसिकली 50 to 51 मिनट्स के अंदर आप इसकी बैटरी फुल्ली चार्ज कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 100। 196 grams का वेट है, 7.8mm की थिकनेस है। सुपर स्लिम स्मार्टफोन इस बारी Xiaomi ने बनाया है। ब्लूटूथ 5.2 और वाईफाई 6 जैसे फीचर्स भी आपको इस स्मार्टफोन में मिलते हैं। जो डुअल स्पीकर्स हैं वो डॉल्बी एटमॉस कन्फिगर्ड हैं, मतलब आपको अमेजिंग साउंड मिलने वाली है इस स्मार्टफोन में। अब नज़र डालें इस स्मार्टफोन के प्राइस पे तो 39,999 में आप इसको अपना सकते हैं। जो इसका ऊपर का वर्जन है 256GB का वो मिलेगा 41,999 में। दोनों ही मॉडल्स एक अच्छे कंपेटिटिव प्राइस पे आए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं Xiaomi के 11X Pro के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर आपको Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, साथ ही में जो Mi की UI 12 की स्किन है वो पहले से लगी लगाई मिलेगी। बहुत स्मूथ है, 120Hz का क्योंकि डिस्प्ले है तो बहुत अमेजिंग चल रहा है। 60Hz पे भी आप इसको लेकर आ सकते हैं, पर मैंने अभी इसको 120Hz पे रखा हुआ है तो एकदम फ्लूइड एक्सपीरियंस मेरे को देखने को मिल रहा है। ऐप ड्रॉ भी है, पर हाँ थोड़ी बहुत जो ब्लोटवेयर वाली ऐप्स होती हैं जैसे ये जिल्ली वगैरह इन्होंने लगा के दिए वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लकीली ये सारी आप रिमूव कर सकते हैं। तो ओवरऑल अभी तो एक्सपीरियंस है इसका, जो स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो मुझे अच्छा लग रहा है। इसका फुल रिव्यू मैं लेकर आऊँगा ongadgetbridge.com, तो वहाँ पर जाके आप इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों बारी आ गई है इसका क्विक कैमरा टेस्ट करने की, आइए देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है इसका कैमरा। तो दोस्तों अब कर लेते हैं Xiaomi 11X Pro पे क्विक कैमरा टेस्ट। क्विक कैमरा टेस्ट है, फुल कैमरा टेस्ट नहीं है। दो तीन फोटोज मैं आपको इसमें क्लिक करके दिखाऊंगा। तो पहले देख लेते हैं ऐप के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर आपको प्रो मोड देखने को मिलता है, वीडियो मोड है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है। और मोड में जाएंगे तो आपको और बहुत सारे मोड देखने को मिलेंगे, जैसे ब्लॉग का मोड है, 108MP का भी मोड है, मूवी इफेक्ट्स भी हैं और स्लो मोशन मोड भी है। तो 108MP पे चलते हैं, इसके रियर प्राइमरी कैमरा से एक इमेज क्लिक करके देते हैं। दिस इज गुड लाइटिंग कंडीशंस, स्टूडियो लाइट्स यहाँ पर ऑन है। तो यहाँ पर इमेज क्लिक करके देखते हैं कैसी आती है ये इमेज। नाइस, सुपर्ब डिटेल्स हैं, कलर्स बहुत क्लोज टू लाइफ है। एकदम आप देख सकते हैं कि जैसे उसके ऊपर शाइनी जो सरफेस है उसकी रिफ्लेक्शन को भी कितनी अच्छी तरह इस स्मार्टफोन के कैमरा ने कैप्चर किया है। आइए बाहर चलते हैं और बाहर भी मैं आपको एक इमेज क्लिक करके दिखाता हूं, उसके बाद मैं सेल्फी कैमरा से भी एक इमेज क्लिक करूंगा। तो दोस्तों बाहर मैंने ये इमेज क्लिक की है मेरे वर्टिकल गार्डन की, मेरे को प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक है तो उसी की मैंने अभी जो ये इमेज है वो क्लिक किया है और मैं आपको दिखाता हूं इसकी डिटेल्स। अगेन 108MP के कैमरा से मैंने इसको क्लिक किया, बहुत अच्छी शानदार डिटेल्स आई हैं, कलर्स बहुत अच्छे हैं, वेरी विविड, वेरी नाइस, एज डिटेक्शन भी अच्छा है। अगेन फुल रिव्यू ऑफ द कैमरा ऑन gadgetbridge.com। ये अभी सैम्पल इमेजेस जो मैंने अभी अभी क्लिक की हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और मेरे फर्स्ट इंप्रेशन मैं आपको साथ में दे रहा हूँ। अब चलते हैं मेरे सेल्फी की तरफ। तो दोस्तों ये है सेल्फी जो मैंने इसके फ्रंट कैमरा से क्लिक की है, काफ़ी अच्छी आई है। अगेन स्टूडियो लाइट्स बिल्कुल भी ऑन नहीं है यहाँ पर, नेचुरल जो नॉर्मल ट्यूब लाइट्स हैं जैसे आप घर में क्लिक करते हैं उसके अंदर इसको मैंने क्लिक किया है। तो सेल्फी कैमरा में भी डिटेलिंग मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। यू कैन सी कि जो हेयर के स्ट्रैंड हैं वो भी अच्छी तरह ये डिटेक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल मेरे को एक्सपीरियंस इसका अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फुल रिव्यू ऑफ द कैमरा एंड द फोन ऑन gadgetbridge.com, तो वहां पर जाके इसे जरूर पढ़िएगा।
दोस्तों आशा करता हूँ हर बार की जैसे ये वीडियो भी आपको पसंद आया है। आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करना ना भूलिएगा इस वीडियो को। पैंडेमिक चल रहा है, प्लीज़ मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, इससे आप अपने आप को भी और अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। मेरा नाम है सुलभ, आप देख रहे हैं ग्रेजुएट हिंदी, मैं आपसे मिलूंगा अगली बारी।